तो आइए जो है, तो बाबू लोग आप लोग अच्छे हो ना, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सब आएगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग क्वेश्चन को लगाते रहिए, अपने बुक का टेक्स्ट बुक का लगाइए। और आप लोग कोई सीरीज लिए हों, सैंपल पेपर लिए हों, या सैंपल पेपर से बेटर होगा तो आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देगा, मतलब आपको ज़्यादा नंबर गेन कराएगा। तो देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, ये हम लोग भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं CBSE बोर्ड के, वही क्वेश्चन ये है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर डी, इसको हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना या इंटीग्रेट करना, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थ्री प्लस टेन एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। फिर आगे है कास एंड्रोट में एक्स एक्स, ये वन वन मार्क्स के हैं मान लीजिए, चलिए देखते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, यहीं लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, वन प्लस एक्स क्यूब को टी मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, टी, क्या मानना पड़ेगा, टी, आया समझ में। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करनी है, तो देखिए वन है कांस्टेंट, उसका डिफ जीरो हो जाएगा, यहाँ आएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से बाबू इसको हटा लेना है, किसको, थ्री को, ये थ्री इधर आ गया, यहाँ डी टी आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर या डी एक्स, या इसको जब हटा देंगे तो यहाँ वन अपान थ्री डी टी आ जाएगा, तो हमारा हो गया वन अपान थ्री डी टी। और यहाँ डिनोमिनेटरवा को क्या मान रखे हो, थ्री, तो ये डिनोमिनेटर हो गया थ्री। देखिए वन अपान एक्स क्यू को टी माने हो ना, तो वन अपान थ्री हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और सेट कर ले हम, तो हमारा वन अपान थ्री और यहाँ पे डी टी अपान टी आ गया, तो इसका सलूशन क्या होगा, वन अपान थ्री, और वन अपान टी का हम लोग जानते हैं लाग क्या होता है, टी होता है, और प्लस सी होता है, तो आगे वन अपान थ्री लाग टी की जगह हम क्या ले लेंगे, तो देखिए टी की वैल्यू ये है हमारी वन प्लस एक्स पावर थ्री प्लस सी। देखिए आंसर आ गया, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, इसको टी मानना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर यहाँ से थ्री को इधर करना है, फिर ऊपर की वैल्यू अपने आप सेट हो गई वन पॉइंट थ्री डी के साथ, नीचे वाली की टी हो गई, वन पॉइंट टी को लाग बोलते हैं, और टी की वैल्यू ऊपर से लेके रखेंगे, आंसर अपने आप आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस, सेम ऐसे ही मानेंगे, थ्री प्लस टेन एक्स को हमने क्या करिया, टी मानिया, क्या मानिया, थ्री प्लस टेन एक्स को टी मान लिया। तो देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नंबर कांस्टेंट का जीरो होता है, थ्री का जीरो होगा, टेन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इक्वल टू डी टी। मतलब बाबू आप देखिए क्या हुआ, थ्री है कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, बचा टेन, टेन का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और साथ में थीटा जब करते हैं तो डी एक्स, क्योंकि फंक्शन है डी एक्स आएगा, उस तरफ टी का डी टी होगा। अब ऊपर वाला यहाँ से यहाँ देखिए नहीं लिखा डी एक्स, ठीक है न, यहाँ तो सेक स्क्वायर यहाँ पे और डी एक्स हट के डी टी आ गया, और यहाँ पर हमारा हो गया डी टी, और यहाँ आपने मान रखा है पहले से ही टी, तो आगे नीचे जाएंगे तो आ जाएगा लॉग टी प्लस सी, फिर लॉग टी को भाई रिप्लेस करना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू है थ्री प्लस टेन, इसकी ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे प्लस सी आएगा, तो आपने देखा आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला भी कुछ नहीं करना, इसको टी मान लेना, ऊपर वाला खुद ही सेट हो जाएगा अपने आप। आगे बढ़िए, ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। बाबू लोग आप ध्यान देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, सब आसान है यार, आप लोग डरिए मत, क्वालिफ मतलब पढ़ाई से अपने लगन पे आप ध्यान देंगे, अगर आप लोग बी केयरफुल है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आए, इसमें किसको मान लेते हैं, इसमें अंडर रूट को मान लेना, ठीक है, क्या मानना है, अंडर रूट एक्स को टी मान दिए। अब थोड़ा हम इसको वो कर देते हैं, वन बाई टू इक्वल टू पावर हटाएंगे, अभी कुछ किया नहीं हमने, पावर हटाया तो वन बाई क्या होता है, पावर हटाने का वन बाई टू लग जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले आएगा वन अपान टू एक्स की पावर वन अपान टू माइनस वन, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। वन अपान टू को उधर भेज दो, चलो एक्स की पावर देखिए वन बाई टू है
माइनस वन, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू, वन माइनस टू अपॉइंट टू, मतलब ये आएगा माइनस वन अपॉइंट टू, तो यक्स की पावर माइनस वन अपॉइंट टू और डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे टू डी टी चला गया, ये वाला टू उधर चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट एक्स, यहाँ डी एक्स इक्वल टू टू डी टी, सेट हो गया। देखिए फिर से क्या सेट हो गया बाबू, तो हमारा हो गया यहाँ से टू उधर ट्रांसफ़र हो गया और ये एक्स पावर माइनस वन बाई टू आ गया, तो इसको हम वन अपन अंडर रूट में एक्स लिख सकते हैं, तो डी एक्स अपन अंडर रूट एक्स इक्वल टू, यही हो गया। मतलब अब हमें क्या करना है, नीचे वाला डी एक्स अपन नीचे वाला हट गया टू डी टी से, तो आगे जो आएगा कार्यक्रम इसका तो यहाँ लगा लेते हैं। देखिए दिख रहा है ना, तो यहाँ पर होगा कास टी, समझ रहे हैं, इसकी जो टी माने हैं तो कास्टी हो गया और नीचे का डी एक्स के साथ हट गया, बस ये टू यहाँ आ जाएगा और डी टी बगल लग जाएगा इसके, और हमने टू लिख देना है। कास का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि साइन होता तो माइनस का आता, पर कास इसलिए माइनस नहीं होगा प्लस में आएगा टू। अब टी की वैल्यू ओरिजिनल वा जो है वो रख दीजिए, ये है ओरिजिनल वैल्यू प्लस सी, देखिए आपका आंसर आ गया खटाखट, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं एकदम सिंपल से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा 1, 2, 3 था और मैंने ऊपर से ऐसे ही लेके क्या कर दिया, लगा दिया। तो आपका लास्ट जो नहीं दिख रहा होगा वो है हमारा सी लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।